बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के आखिरी अल्फाज क्या थे? हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का बयान है, हज़ूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी वफ़ात में आप पर बार बार गशी का दौरा पड़ता था। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबान से शिद्दत गम में ये अल्फाज निकल गया कि हाय रे मेरे वालिद की बेचैनी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, आज के बाद तुम्हारा बाप फिर कभी बेचैन नहीं होगा। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से टेक लगाए बैठी थी और आपका सर मुबारक मेरे सीने और हलक के दरमियान था और बार बार आप ये पढ़ते रहे, इन लोगों के साथ जिन पर खुदा का इनाम है, और कभी ये फरमाते, खुदावंद बड़े रफ़ीक में, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते और फरमाते, बेशक मौत के लिए सख्तियां हैं। याद रहे, वफात अकदस से थोड़ी देर पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ताज़ा मसवाक हाथ में लिए हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ नज़र जमा कर देखा। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने समझा कि मसवाक की ख्वाहिश है। उन्होंने फ़ौरन ही मसवाक लेकर दांतों से नरम की और दस्ते अकदस में दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक फरमाई। सुपहर का वक्त था कि सीनाए अकदस में सांस की खरखराहट महसूस होने लगी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस होंठ हिले तो लोगों ने ये अल्फाज सुने, नमाज और लोंडी ग़ुलाम का ख्याल रखो। पास में पानी का एक तश था, इसमें बार बार हाथ डालते और चेहरा अनवार पर मलते और कलमा पढ़ते और चादर मुबारक को कभी मुंह पर डालते कभी हटा लेते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सरे अकदस को अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी कि इतने में आपने अपना मुकद्दस हाथ उठाकर तीन मरतबा फरमाया, अब कोई नहीं बल्कि वो बड़ा रफ़ीक चाहिए। यही अल्फाज ज़ुबान अकदस पर थे कि नागहां मुकद्दस हाथ नीचे तशरीफ़ ले आए और जिस्म मुकद्दस से हालत सुकून में आ गया और आपकी रूह अकदस आलम अकदस में पहुँच गई और आखिरी अल्फाज जो ज़ुबान अकदस से अदा हुआ वो यही था।